कक्षा सिक्स और सेवन, कक्षा सिक्स और सेवन्थ विषय संस्कृत, यानी संस्कृत। हम कर रहे हैं समास प्रकरण। समास प्रकरण क्या कर रहे हैं? समास प्रकरण, समास में हमारा चल रहा है अव्ययी भाव समास। क्या चल रहा है? अव्ययी भाव समास। इसके बारे में मैं इसके नियम तरीके सब बता दिया, एक बार दोबारा से और उदाहरण मैंने आपको काता करके बताऊंगा। जैसे कल हमने किया था एक उपनगरम, अब एक उदाहरण आ जाए उपग्रामम। ठीक है, ये उदाहरण है, इसका समास विग्रह करना हो तो अब ध्यान से देखिए, ये उप क्या है? एक अव्यय। क्या है? अव्यय है, उप अव्यय है। हम छह अव्यय आपको लिख के बताया था मैं, उसमें एक उप आता है, तो हम इसको पहचान लें कि उप क्या है, एक अव्यय। तो अव्यय सबसे शुरुआत होगी, यानी क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब अव्यय के बाद में जो बचा है उस शब्द में हमें विभक्ति लगानी होती है, यानी ग्रामम शब्द अव्यय को हटा देते हैं, उसके बाद जो लगी उसमें विभक्ति लगानी होती है। कौन सी विभक्ति? उप अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। उप अव्यय के योग में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का। अब ग्रामम शब्द के योग में, ग्रामम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रामस्य। क्या हो जाएगा? ग्रामस्य। षष्ठी विभक्ति लगा दी तो क्या हो गया? ग्रामस्य। इसको यहां लिख दो ग्रामस्य। ठीक है, अब उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीपम। क्या होता है? समीपम। इसको इस शब्द में विभक्ति लगाने के बाद में जो उप अव्यय हटाए हैं उसका अर्थ हमें इसके पीछे लिखना होता है, तो उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीपम। ये इसका हो गया समास विग्रह, ग्रामस्य समीपम। ध्यान से समझिएगा, क्या हो गया इसका? ये समास विग्रह ग्रामस्य समीपम। ठीक है, अब उसके बाद में उदाहरण नंबर दो। ठीक है, उप पे हो गया, अब उसके बाद में अनु अव्यय का था। अब जैसे अनुरूपम, ये उदाहरण दिया। अब यहां पे ध्यान से देखें तो अनु क्या है? एक अव्यय है। अनु क्या है? एक अव्यय है, यानी इससे हमें ये पता चल गया कि उदाहरण अव्ययी भाव समास का है, तो अनु अव्यय को हटा दो। अब बच गया अनु अव्यय के योग में कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन से विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब अनु अव्यय के बाद में जो शब्द बच गया उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, यानी रूपम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रूपस्य। क्या हो जाएगा? रूपस्य। जो यहां लिख दो रूपस्य हो गया। अब अनु अव्यय का अर्थ दो निकलता है, एक पश्चात और एक योग्यता। ठीक है, अब अनुरूपम का होता है रूप के अनुसार, तो रूप के अनुसार के लिए योग्यता अर्थ का प्रयोग किया जाएगा, रूपस्य योग्यता। ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह। ध्यान से समझिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, एक एक चीज में विधिवत तरीके से खोल खोल करके, एक एक चीज निकाल निकाल करके अव्ययी भाव समास के बता। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको किसी भी सूरत में समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान नोटिस करें। तो इसीलिए कह रहा हूँ विशेष रूप से, मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, एक एक शब्द को निकाल करके विभक्ति को बता के आपको समझाने का प्रयास करें, लेकिन आपका काम है कि इन चीज़ों को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा, और प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। अब अगला है नंबर तीन, निर्जनम। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो निर क्या है, अव्यय है। निर क्या है, अव्यय है, यानी इससे हमें पता चल गया कि अव्ययीभाव समास है। अब आपको यह पता होना चाहिए निर अव्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कौन से विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। निर अव्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जन्म शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे क्या हो जाएगा, जनस्य। क्या हो जाएगा, जनस्य। तो लिख देते हैं जनस्य। अब निर अव्यय का अर्थ क्या होता है, अभाव। क्या होता है, अभाव। तो इस अव्यय का अर्थ हमें विभक्ति लगाने के बाद लिखना होता है, तो यहां लिख दिए जनस्य अभाव। ये क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। जनस्य अभाव क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। लोगों का अभाव ये क्या है, इसका समास विग्रह, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। अब उदाहरण नंबर चार, प्रतिमासम। प्रतिमासम, अब यहां पे प्रति क्या है, एक अव्यय है। प्रति क्या है, अव्यय, ठीक है। अब प्रति अव्यय के युग में या तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, दो में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर ले। प्रति अव्यय का अर्थ क्या होता है, पुनरावृत्ति, यानी दोहराना या विपसा, ठीक है। तो द्वितीय लगा के लिखो तो द्वितीय पहले ही लगा हुआ है, मासम। पुनरावृत्ति यानी इसी को दोबारा से हमें लिखना है, तो मासम, मासम। और अव्यय शब्द को दोबारा से हमें लिखना होता है तो अव्यय लिख देंगे मासम, मासम प्रति, क्योंकि इसमें अव्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। अब इसी को मान लो सप्तमी विभक्ति में करना है तो सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा मासे, मासे प्रति। आप दोनों में से कोई एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें या आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें, दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो आपको मैं अव्ययीभाव के और भी उदाहरण तरीके से समझाया, इसको समझने का प्रयास कीजिए, और भी उदाहरण आपको कराएंगे आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।